प्रदीप जी, सोलर पंप सेट के लिए कोई ट्रॉली अगर अपने खेत में अपने सोलर पंप सेट पे लगवाता है तो इसके सही में क्या बेनिफिट हैं, थोड़ा ये बताएं। देखिए, सोलर ट्रॉली यदि कोई किसान भाई अपनाता है तो सबसे मेन बेनिफिट है कि वो अपने सोलर पंप को एक तो चोरी से सुरक्षित करता है, खेत में प्रयोग होने के बाद उसको नॉर्मली अपने घर पे लेके आ सकता है, और सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि इसमें आपके दो या तीन जगह पे नॉर्मली फार्मरों के किसान के खेत होते हैं तो सभी खेतों में एक ही पंप से वो सिंचाई कर पाएगा, फ्री टाइम में उसको घर पे भी यूज कर पाएगा। ये सबसे इसके मेन बेनिफिट रहते हैं। इसके अलावा उसको रेंट पे चला के आप एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो सर, मैन्युफैक्चरिंग का बताएं आपके, मतलब किस तरीके से आपकी ट्रॉली मैन्युफैक्चरिंग होती है और कितनी स्मूथली, कितने अच्छे तरीके से वो काम करती है? देखिए, ट्रॉली की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना चाहूँगा मैं, बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास कॉल भी आए थे और बहुत से कमेंट भी मैं आपकी वीडियो पे मैं देख पाता हूँ कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप इसकी ट्रेडिंग करते हैं। आज ये डाउट मैं बिल्कुल उनका क्लियर करूँगा और मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री में विजिट भी करवाऊँगा और मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा जो हमारा पूरा ये सिस्टम ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, जो इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरे अंकल जी से, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, श्री रामफल जी। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप यहाँ का सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से, किस तरह के पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इसमें जोड़ते हैं उसके बारे में बताएं, किस तरह के पार्ट्स आप लेते हैं, वेल्डिंग वगैरह क्योंकि खास बात होती है वेल्डिंग की, किस तरह की वेल्डिंग की जाती है उसके बारे में बताएं, और उससे पहले थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कितने सालों से आप ये कर रहे काम? वैसे तो हम 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सोलर का जहाँ तकनीकी का सवाल है उसमें हमने ये नई तकनीकी तैयार की। ठीक है। ऐसी तकनीकी तैयार की है कि जो एक ज़मींदार के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि एक रामबाण नुस्खा है। रामबाण है, ठीक है। क्योंकि इसके फ़ायदे अगर हम गिनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, और हम तो खाली आपको मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। ठीक है, बताइए। सबसे पहले ये चैनल हम हैवी क्वालिटी का चैनल मंगवाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कितना भी लोड हो तो ये किसी किस्म की कोई दिक्कत में ना आए। ठीक है। इसके बावजूद हमारी दूसरी जो प्रक्रिया स्टार्टिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। इधर आइएगा, यहाँ से हमारा जैसे ऊपर के जो चोपटे हैं वो यहाँ तैयार होते हैं जिसमें पैनल लगते हैं। ठीक है। और ये चोपटे हमारे जो है ना मिग वेल्डिंग से तैयार किए जाते हैं। ठीक है। जिसकी वेल्डिंग के अंदर ना ही सोरी होती और ना ही वेल्डिंग ये टूटती, और इसके अंदर इतनी सफाई होती है बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें सफाई ज़्यादा होती है और टूटती नहीं, मजबूत ज़्यादा है। मजबूत ज़्यादा है। दोस्तों, मिग वेल्डिंग के बारे में सर बता रहे हैं, मिग वेल्डिंग करवाते हैं जो वेल्डिंग लाइन में है, या फिर आप पूछें हमें, पूछते हैं मिस्त्री से, वो बता देंगे अभी क्या उसमें होता है, मतलब वो उसमें क्या डिफरेंस है आर्क के और मिग वेल्डिंग में। ठीक है। अभी फ़र्क जो दिखाया गया है वो यही दिखाया गया है कि इसकी जो वेल्डिंग है काफ़ी मजबूत है, इसमें सोरी नहीं होती और इसमें कार्बन नहीं लग होता, कार्बन झाड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जो बड़े बड़े सिस्टम तैयार होते हैं वो मिग वेल्डिंग से ही तैयार होते हैं, ना कि आर्क वेल्डिंग। ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगली यूनिट हमारी, इससे सिस्टम दूसरा क्या तैयार होता है। ये नीचे कैमरा घुमाइए आप। ठीक है। ये हमारी स्लाइडें हैं जिनके अंदर पूरा पैनल चलेगा। ठीक है। इनके ऊपर मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा। ठीक है। इसमें एक पोर्शन ऊपर निकल जाएगा और नीचे, एक नीचे आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। ठीक है। इसके तीन पोर्शन हो जाएंगे। तीन पोर्शन हो जाएंगे। ठीक है। आगे आइए। पहले हमारा ये हिस्सा तैयार होता है इसका, ये बेस तैयार होगा इसका। बेस तैयार होगा। ठीक है। तो काफ़ी तकनीकी से बहुत बढ़िया इसमें इसका जो बैलेंस है वो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। पूरी तकनीकी से तैयार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है ना बैलेंसिंग के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, इससे बैलेंस करते हैं। हाँ। ये देखिए दोस्तों, मैं बैलेंसिंग का जरूर कवर करना चाहूँगा, ऐसे करके बैलेंसिंग ताकि वो बिल्कुल लेवल में आए, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू रहता है इतना बड़ा सिस्टम जो सेटअप करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जी। इसके बाद आप इसमें टायर वगैरह लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। आइए।
हमने इसमें जो टायर लगाए हैं बहुत हैवी क्वालिटी के, और जो एक्सल लगाया है उसका स्पेस चौड़ाई का दिया है ताकि इसकी मूवमेंट में कोई फ़र्क ना आए, ये उल्टा पलटी ना हो। कौन सा स्पेस आप बता रहे हैं? ये जो लंबाई दी है एक्सल की, ये और एक्सलों से 6 इंच ज़्यादा है, और इसमें बढ़िया हैवी क्वालिटी के टायर लगाए गए हैं ताकि पूरा वजन ले सके। बिल्कुल, वजन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद अपना ये सिस्टम पूरा सेटअप ऐसे तैयार होता है? उसके बाद ये सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बावजूद इसको फिर ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद फिर इस पर वो एक लोहे का ब्रश आता है, वो ब्रश लगवा के, ठीक है, और बाद में जो है इसको रंग किया जाता है। ठीक है, पहले प्राइमर होगा, ठीक है, उसके बाद रंग होगा। ठीक है, ये हमारी रंग की यूनिट है, आपको दिखाते हैं हम। ये हमारी कंप्लीट तैयार ट्रॉली है, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का। इस पर जो है ना मुरगाड लगाते हैं, हर सिस्टम इसमें मजबूत रंग से तैयार है। ये हमारी सब की सब ट्रॉली तैयार है। तो सर, एक पूरा कंप्लीट आपका मॉडल है, उसको एक बार खोल के जरूर दिखाएं मैं। ठीक है, वो कैसे ऊपर तो कैसे वो खुलता है पूरा, अभी दिखाते हैं। डिग्री पर लगा इसने और खोलो। ये हमारे 6 पैनल से लेकर 14 पैनल तक की ट्रॉली तैयार होती हैं, यानी कि 2 HP से 5 HP तक। ठीक है, तुम्हारा निकाल ये देखिए, हैंडल होता है इसमें और कितनी आसानी से ये खुलती है। एक हिस्सा इसका नीचे आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, थोड़ा उस ट्रोल लगा के करो। ये देखना बड़े आराम से जो है ना हल्की, काफ़ी हल्की खुली हुई है, आराम से चल रही है। खोलो, जोर पड़ रहा है क्या? नहीं, काफ़ी आराम से चल रही है। चलो चलो, तो ये है हमारा पूरा सिस्टम और फैक्ट्री का पूरा सिस्टम जहाँ पे ये सभी ट्रॉलियाँ तैयार होती हैं। तो हमारा ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो हमारी फैक्ट्री से बाहर बनता, सारा का सारा यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सब पार्ट हमारा हमारी फैक्ट्री के अंदर ही तैयार हो। और इसमें साथ साथ देखने की बात ये भी है कि जहाँ तक सवाल आ जाओ प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन हमारी बहुत बढ़िया है और रोज़ाना बढ़ती जाने लग रही है। इसकी डिमांड इतनी होती जा रही है कि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ज़मींदार ने इसका फ़ायदा समझा है, उस फायदे को समझ के हमारे पास आते हैं और देखते हैं और लेके जाते हैं। ठीक है,
ये टीजी सोलर के नाम से हमारा सिस्टम पास है, तो कंपनी एकदम से बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया सिस्टम बना रही है। जहाँ तक सवाल है हमारी लेबर का, इतने बढ़िया ढंग से और बहुत ही बढ़िया कारीगर हमने जो है ना अपनी फैक्ट्री में लगा रखी। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।